खरगोन जिले में 2018-19 के कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं ने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने बताया कि 2018-19 में कांग्रेस सरकार में मेधावी विद्यार्थियों को 25,000 रुपये लैपटॉप की राशि के नहीं मिले हैं। सरकार बदलने के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की थी, लेकिन अब तक लैपटॉप की राशि प्रदान नहीं की गई है, जिस कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बाधा आ रही है। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया सर, हम 17-18-19 वाले मेधावी विद्यार्थी है सर, हमें लैपटॉप नहीं मिला, इसके संबंध में सर क्या मांग क्या आपकी? सर हमें मांग ये है कि 17-18-19 में हमें लैपटॉप नहीं मिला सर। 17-18 था तब मामा जी ने दिए थे और 17-19-20 में भी दे रहे, परंतु 17-18-19 वालों को लैपटॉप नहीं मिला इसके संबंध में। अच्छा, तो क्या कहा सर ने? सर ने क्या आपके आश्वासन दिया कि आपकी बात को आगे रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुचरण राजपूत, मैं घुटिया के लिए सर, मेरे 12वीं 89 है सर। मेधावी के लिए आए हैं 18-19 के लिए, हमें लैपटॉप नहीं दिए गए थे तब, हम उसी के लिए आए हैं। और तब सरकार कांग्रेस की थी और अभी बीजेपी की, मतलब चेंज हो गए थे उसमें, तो हमें लैपटॉप नहीं दिया गया और हमें अभी अति आवश्यकता है। भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी, उसमें लग रहा है। क्या नाम है आपका? ज्योति कन्या। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।